गुज़िश्ता चंद दिन से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक वावेला मचा हुआ है मेरी माजरत को लेके। मैं यहां पर कुछ बातें अयां करना चाहता हूं आपके सामने कि रमेश कुमार साहब के बारे में जो मेरा पहले मौकफ था और स्टेटमेंट थी वो जो थी जैसे थी, मैं आज भी उन्हीं पर उसी तरीके से खड़ा हूं, वही सोचता हूं जो पहले सोचता था, मां सवाए एक लफ्ज के जो हीट ऑफ द डिबेट में मेरे मुंह से अदा हुआ, नहीं होना चाहिए था, मुझे उसका अफसोस हुआ। उस लफ्ज के अदा होने के बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि वफादारियां तो 25-30 लोगों ने तब्दील की थी, पार्टी की पीठ में छुरा तो उन सबने घोंपा था, आपने बाकी सबके बारे में तो लफ्ज अदा नहीं किया, इनके बारे में अदा किया क्योंकि ये माइनॉरिटी से थे या कमजोर थे। इस बात से मुझे इस मेरे अफसोस की शिद्दत में और भी इजाफा हुआ। मैं उनकी तरफ गया, मैंने उस एक लफ्ज, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ उस एक लफ्ज के लिए उनसे अफसोस का इजहार किया। मेरी दोबारा वीडियो सुन लीजिए, उसमें आपको बड़ा वाजे नजर आएगा कि सिर्फ अफसोस का इजहार किया मैंने। अब मैं यहां पर एक बात वाजे करना चाहता हूं कि मीडिया के कुछ दोस्तों ने इसे बड़ा वावेला मचाया कि गिल साहब ने पता नहीं अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अब ऐसे लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की, पता नहीं मैं उनकी सताइश कर रहा हूं। मैं वाजे कर दूं कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की, आईन को पामाल किया, किसी भी मतलब के इवज उन्होंने अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने धोखा दही के मुर्तकिब हुए, ऐसे तमाम लोगों को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जस्टिस उमर अतियाब बंदियाल साहब की जो 3 रुकनी बेंच है, उसने जो 63A के ऊपर फैसला दिया है, उसमें बड़े वाजे लफ्जों में उन लोगों की हैसियत क्या है वो बयान कर दिया है। तो मैं आज भी ऐसे लोगों को जमीर फरोश समझता हूं, मैं कल भी समझता था, मैं आज भी उनको कभी डिफेंड नहीं करूंगा या उनका साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं पहले भी नहीं होता था, मैं पहले भी अपनी पार्टी का दिफा करता था ऐसे लोगों के खिलाफ, मैं आज भी जोर शोर से करूंगा। और आखिरी बात, यहां पर अपोजिशन की पार्टियां खवातीन के बारे में गंदी गलीज जुबान इस्तेमाल करती हैं, उनको इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के लिए कहें तो और हठधर्मी करती हैं और उस पर कायम रहती हैं। हम अगर इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं और अगर कोई गैर शाइस्ता लफ्ज निकला है उसको ड्रॉप करते हैं, उस पर अफसोस का इजहार करते हैं, तो उसको पता नहीं माफी बना दिया जाता है, पता नहीं क्या कुछ बना, बजाय इसके कि इस काम की सताइश की जाए और इस कल्चर को प्रमोट किया जाए उसके ऊपर तनकीद की जाती है। मैं ना सिर्फ इनके बारे में, किसी और के बारे में भी ऐसे लफ्ज नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया।